हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज है संडे का दिन, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो में जुड़े रहे, इसके बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। और आज हमारे साथ मम्मी और पापा भी जा रहे हैं और अदिति जा रही है। आदित्य और चिंटू नहीं जा रहे हैं क्योंकि आदित्य का भी चल रहा है यूटी, तो इसलिए हम आदित्य को नहीं ले जा रहे हैं। वो यूटी की तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर और हम यहाँ से बस निकलने ही वाले हैं। वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हो, फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हुए फिर आपको आगे हम दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वीडियो में जुड़े रहे, इसकी बिल्कुल ना करें और हमारे वीडियो का आनंद ले, आप भी चले हमारे साथ। चलते हैं टोकन लेने के लिए, तो आइए पहले टोकन लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर एंट्री होगी। फ्रेंड आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज है संडे के दिन, तो बहुत सारे लोग आए हैं और हमें भी बीच में टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बच्चों को भी छुट्टी नहीं था। तो इनके पापा आज घर पे हैं, इसलिए मम्मी पापा घुमाने के लिए लाल किला लाइन वाली थी आई हमारे साथ। तो पहले हम चलते हैं टोकन लेने के लिए, तो आप ब्लॉग में जुड़े रहें, इसके बिल्कुल ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें, फिर टोकन लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है टोकन के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर। अभी हम आए हैं टोकन लेने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो टोकन हम ऑनलाइन लेके इसके अंदर हमने इनके पापा को सेट कर दिया। हमने बोला था कि मैं घर से ऑनलाइन टिकट काट दूँगा, तो अभी हम हमारा जब टिकट आ जाएगा तो फिर हम अंदर के एंट्री लेंगे। और इधर मम्मी पापा को बैठा दिए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही हमारा टिकट आ जाएगा उसके बाद फिर हम अंदर के एंट्री लेंगे। तो फ्रेंड लाल किला के गेट के पास जाने के लिए यहाँ से ई रिक्शा मिलता है, जिसके लिए अभी हम जा रहे हैं टोकन लेने के लिए क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है। फिर भी मम्मी पापा साथ में थे इसलिए हमने सोचा कि नहीं ई रिक्शा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से पैदल आप जाओगे तो 4 से 5 मिनट लगेगी। तो हमने यहाँ से अब ई रिक्शा ले रही हूँ, पहले टिकट लेने जा रही हूँ। तो ये है गाइस टिकट काउंटर, तो यहाँ से मैं अभी टिकट लेती हूँ और टिकट लेने के बाद फिर हम ई रिक्शा लेंगे। ई रिक्शा भी नंबर से मिल रही है, जो रिक्शे से लोग जा रहे हैं वापसी आ रहे हैं, जब उतर रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों को वापस जाके लाल किला गेट के पास, तो ये गेट के पास उतार देगा। गाइस मैं आपको बता दूँ रिक्शे का किराया सिर्फ 10 रुपये ही है। तो फ्रेंड हमने ई रिक्शे का टिकट ले लिया है, अब यहाँ से हमें ई रिक्शा मिलेगी जो हमें अंदर तक छोड़ेगी। ये हमारा टोकन है एक जाने का एक आने का। तो अभी ई रिक्शा हम वेट कर रहे हैं, जैसे ई रिक्शा आएगी उसमें हम लेंगे फिर अंदर जाएंगे। Thank you.
तो गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं, लाल किला के अंदर जा रहे हैं। अभी वहाँ बैग वगैरह चेक हो गया है, उसके बाद हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये अंदर का एंट्री गेट है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और हमारे ब्लॉग में जुड़े रहे और देखे कि लाल किला के अंदर आपको लाल किला का और क्या क्या नज़ारे दिखाते हैं। और यहाँ पर लाल किला के सामने ही एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर झूला आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक मेला भी लगा है, कोई फंक्शन वगैरह शायद हो रहा है वहाँ पे, तो बहुत बड़ी मेला वहाँ पे लगी है। इधर से देख लेते हैं, अगर हमें टाइम बचेगा तो फिर हम मेला देखने भी जाएंगे। तो पहले हम लाल किला घूमने जा रहे हैं और ये है मेन गेट, यहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे। ये है लाल किला का मेन गेट। बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे का दिन है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं। वहाँ पे ऊपर ऊपर जहाँ पुलिस वाला खड़ा है, ये है लाल किले की मोटी मोटी दीवारें और यहाँ पर हमारे देश का झंडा लहरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर झंडा फहराते हैं। तो सूरज की रोशनी आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिखाई नहीं हो दे रहा है। चलो जल्दी मतलब बंदी है वो बंदी।
तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं लाल किला के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं तो लाल किला के अंदर बहुत पुराने पुराने किले बने हैं और बहुत बड़ी बड़ी पार्क है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुकून मिलता है बैठने पर। आप 2-3 घंटा यहाँ अपना बिता सकते हो बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो पहले भी आ चुके हैं लेकिन मम्मी पापा का फर्स्ट टाइम था, तो हमने सोचा कि सही से घुमा दे। तो पहले इनको हमने पार्क घुमा दिया और पार्क और घुमाने के बाद यहाँ थोड़ी देर हम बैठते भी हैं, 1.5 घंटा, उसके बाद पानी उन्हें पीते हैं और उसके बाद यहाँ से हम जा रहे हैं अब म्यूजियम घूमने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है म्यूजियम का गेट। तो यहाँ पर पहले आपको जो भी टिकट होता है पहले ही लेना पड़ता है, तो हमने ऑनलाइन ही टिकट घर से अदिति के पापा से मंगवा ली थी, अंदर लाल किला के अंदर का भी टिकट और दोनों म्यूजियम का भी टिकट। तो यहाँ से पहले आपको टिकट चेक करवाना होगा और टिकट चेक करवाने के बाद यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 म्यूजियम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। एक में तो आपको जैसे तस्वीर वगैरह मिलेगी और जो भी पुराने लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कुछ उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अदिति को भी स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट बनाना था, अदिति काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मा ले चलो, तो हमें टाइम नहीं मिल रहा था। हमने सोचा कि संडे का दिन है, छुट्टी है, अदिति का भी काम हो जाएगा और मम्मी पापा काफ़ी टाइम से घूमने का मन था, तो हमें इसी बहाने मम्मी पापा को घुमा दिया। अदिति का भी फिर प्रोजेक्ट बनने की तैयारी हो गई, अदिति ने बहुत सारा फोटो यहाँ से कैप्चर किया है, हमने बहुत सारा फ़ोटो भी शूट करवाया है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हम पूरे जितना म्यूजियम है उसमें सही से घूम लेते हैं और घूमने के बाद ही फिर हम बाहर के एंट्री करते हैं और दूसरे वाले म्यूजियम में जाते हैं। दूसरे वाले म्यूजियम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी जो आज से कुछ साल पहले जो भी लड़ाई हुआ था, जो भी लोग शहीद हुए थे उनके बहुत सारे वहाँ पर कपड़े भी रखे हुए हैं और जो भी चीज़ लड़ाई में यूज हुआ है वो सारे चीज़ रखा हुआ है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं दूसरे म्यूजियम में। चार दिन अंदर एक आक्रमण के लिए 4 दिन
तो गाइस हमने पूरा लाल किला सही से घूम लिया, हम लोग जा रहे हैं वापसी घर। नंदू तुझे कैसा लगा? नंदू कैसा लगा? बहुत अच्छा, घूम के मजा आया? मजा आया। नाना से पूछो, नाना कैसा लगा घूम के? ठीक लगा, पुराना किला देख। अच्छा लगा लाल किला? अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत पुराना किला। बहुत दिनों से इनको घूमने का मन था लेकिन बहुत ज्यादा इनको अच्छा लगा। चलो अदिति। तो गई सब शाम के बज गए हैं 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, घर जाने में भी 1 घंटा टाइम लगेगा। और हमने पूरा लाल किला सही से घूम लिया। आपने ब्लॉग में देखा ही होगा और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तो फ्रेंड अब शाम हो चुका है और ये मेले में जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट जल रहा है और बहुत लेट हो गया है तो हम आज मेले में नहीं जा पाएंगे। देखते हैं अभी कब तक मेला रहेगा, पता करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आगे मिलेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। अब हम घर जा रहे हैं और हमने मेन गेट से एंट्री ले ली है और अब बाहर जा रहे हैं। काफ़ी लेट हो चुका है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, यहाँ पर अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जब हम अंदर आए तो हमने सोचा था कि बहुत सारा रील बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन जब हम अंदर आए तो ब्लॉगिंग वगैरह तो हमने कर ली, घर जाके हम अपलोड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे तो हमारा 2-3 ही रील बन पाया है, बाकी हम वीडियो ही बनाए हैं। तो आपको वो जो हमारी 2-3 रील है वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम का भी आईडी को फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम की आईडी आपको दे दूँगी, नीचे मेंशन कर दूँगी, तो आप मेरे आईडी को फॉलो करें। और अब हम बाहर आ चुके हैं, अब जाते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम दोनों साइड के ई रिक्शा का टिकट लेके अंदर जा रहे हैं। तो जैसे आप अंदर से बाहर आओगे घूमने के बाद तो यहाँ पर रिक्शा लगी रहती है, तो आप यहाँ से कोई भी रिक्शा ले सकते हो और लेने के बाद बाहर निकल सकते हो। तो हमने रिक्शे लेके बाहर आ गए और आने के बाद यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हैं मोमोस रोल समोसे हम यहाँ पर खा रहे हैं और खाने के बाद यहाँ से फिर हम घर आ जाते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं घर, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो आदित्य और चिंटू आए हैं नानी को लेने के लिए और यहाँ से ये लोग नानी को पकड़ के लेके ऊपर जा रहे हैं। पूरा लाल किला हम घूमेंगे, थक गई। अरे बाप रे, खूब नानी घूमी है बेटा। अच्छा हुआ कि आदि और चिंटू नहीं गए, ये दोनों भी थक जाते। आदि चिंटू एकदम थक जाते हैं। अच्छा चलो मैं दूसरा। Yeah.